अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी दिल्ली के फेमस छोले भटूरे। छोले बनाने के लिए मुझे चाहिए काबुली चना। ये मैंने पाव किलो ली हूँ और धोकर भिगाकर रखी थी इसे 5-6 घंटे के लिए। 2 प्याज को मैंने पीस कर रखी थी, 2 टमाटर पिसे हुए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, कसूरी मेथी थोड़ी सी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, तेल। ये चाय पत्ती का पाउडर है, ये मैं यूज़ करूँगी तो जब आपको पता चलेगा। ये घी ऊपर बघार देने के लिए, खाने का सोडा, ये ऊपर बघार के लिए अदरक बारीक कटे हुए और 1 चम्मच जीरा, खड़े गरम मसाले में बड़ी इलायची, 10 काली मिरी, 2 लौंग और 2 दालचीनी, स्वाद के हिसाब से नमक। और भटूरे बनाने के लिए मैदे का आटा पाव किलो। अब आटे में मैं नमक डालूंगी चुटकी भर और इसे पानी से गलाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आटा गूंथकर हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच तेल और तेल सब जगह चारों तरफ लगाकर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। अब हम इसे ढक देंगे और छोले की तैयारी करेंगे। 1 गिलास पानी इसमें डालकर मैंने उबालने को रख दी हूँ। अब इसमें डालूंगी 2 चम्मच चाय पत्ती, अब इसे उबाल आने तक के पकाऊंगी। चाय पत्ती का पानी उबल चुका है, अब मैं इसे छान लूंगी 1 गिलास में। अब मैंने कुकर गैस पे रख दी हूँ, इसमें डालूंगी तेल। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी खड़े गरम मसाले। अब डालूंगी प्याज। अब इसे थोड़ा सुनहरा होने तक के भूनना है। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से भून लूंगी। अब मैं ये मसाले भी सब डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से भून लूंगी। मसाला जो है भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। अब इसे भी अच्छे से मिलाऊंगी। मसाला अब हमारा पूरा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी काबुली चना। अब इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने काली चाय पका कर रखे थे वो पानी। इससे कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। और पाव चम्मच डालूंगी खाने का सोडा, इससे जो हमारे चने हैं अच्छे से गल भी जाएंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, आप भी टेस्ट के हिसाब से डालिए। आधा गिलास पानी डालकर मैं इसे ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक के पकाऊंगी। 3 सीटी हो चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे। माशाल्लाह हो गया है हमारा छोले। अब हमारी घी जो है गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और अदरक। अब गैस को बंद करके बघार उसमें डाल दूंगी। आटे को अब हम मसल लेंगे। आटा जो है अच्छे से नरम हो चुका है। आटे को मैंने मसल ली हूँ। अब इसके पेड़े बना लूँगी। इसी साइज के सारे पेड़े बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब हम इसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा जाड़ा भी नहीं, हमें इसी तरह बेलना है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी भटूरे। और चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे करूंगी। ये देखिए हमारे भटूरे जो है फूल चुके हैं। अब मैं इसे पलटाऊंगी। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। माशाल्लाह हमारे दिल्ली के छोले भटूरे तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।